वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई भी ऐप को कैसे अनइंस्टॉल करते हैं, फिर चाहे वो आपने खुद इंस्टॉल करी थी या मोबाइल पर पहले से ही इंस्टॉल्ड थी। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। पर सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि ऐप को क्यों अनइंस्टॉल करें, इसकी क्या जरूरत है? हो सकता है कि आपने कुछ समय पहले ऐप को इंस्टॉल किया था और अब आप उसे इस्तेमाल ही नहीं करते, या फिर आपके फोन पर पहले से ही ऐप इंस्टॉल थी और आपने उसे कभी इस्तेमाल किया ही नहीं। खैर, वजह जो भी हो, ज्यादा ऐप्स हमारी बैटरी की खपत बढ़ाती हैं और मेमोरी भी खाती हैं, इसलिए उन्हें अनइंस्टॉल करके आप अपनी मेमोरी को फ्री अप कर सकते हैं और बैटरी सेव कर सकते हैं। आइए ऐप्स अनइंस्टॉल करने के 4 तरीके सीख लेते हैं। पहले 3 तरीके या मेथड्स कोई भी यूज कर सकता है, बहुत ही आसान है, और आखिरी तरीका थोड़ा डिफिकल्ट है, आम यूजर्स के लिए थोड़ा टेक्निकल साबित हो सकता है। यहाँ मैंने सैमसंग गैलेक्सी S3 और सैमसंग नोट 4 का इस्तेमाल किया है, जो एंड्रॉयड फोन्स हैं। पहला मेथड सबसे आसान है, बस ऐप्स में जाइए और ऐप को सिलेक्ट करिए और उन्हें अनइंस्टॉल कर लीजिए कुछ ही सेकेंड्स में। आइए देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपको ऐप अनइंस्टॉल करनी है, ये वाली जिसका नाम है फ्री फॉल, तो आप यहाँ ऐप्स में जाइए और उस ऐप को खोज लीजिए। ये रही वो ऐप, इस पर अपनी उंगली रखिए थोड़ी देर तक और ये देखिए ऊपर आपको 4 अलग अलग आइकन दिखेंगे। यहाँ पर है अनइंस्टॉल, तो आप इसे ड्रैग करके इधर ले जाइए और इसमें डंप कर दीजिए। और देखिए एक अलर्ट आ गया, वो पूछ रहा है फ्री फॉल विल बी अनइंस्टॉल्ड, तो हम अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ये जो आइकन था ये हमारी स्क्रीन से गायब हो गया, और अगर आप ऐप्स में जाएंगे और खोजेंगे तो आपको वो ऐप नहीं दिखेगी, इसका मतलब ये ऐप अब अनइंस्टॉल हो चुकी है। दूसरा तरीका भी आसान है, लेकिन इसमें थोड़े स्टेप्स हैं। आप सेटिंग्स में जाकर के और एप्लीकेशन मैनेजर पर जाकर ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें फोन की सेटिंग्स में जाना होगा। चलिए पहले हम सेटिंग्स में जाते हैं। ये रही सेटिंग्स, सेटिंग्स पर क्लिक करके इसे खोल लिया, और अब बिल्कुल नीचे जाते हैं जहाँ पर है एप्लीकेशंस। हमें यहाँ पर एप्लीकेशन मैनेजर में जाना है और ये एप्लीकेशन मैनेजर खुल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सब वो ऐप्स हैं जो हमारे मोबाइल पर पहले से डाउनलोडेड हैं, और ये रहा SD कार्ड, और ये रही वो सारी की सारी कैश्ड प्रोसेसेस जो इस समय हमारे फ़ोन पर रन हो रही हैं। आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको आपके सिस्टम की रैम दिखेगी, आपको दिखेगा कि ऐप्स असल में आपकी कितनी रैम खा रहे हैं और कितनी रैम इस समय फ्री है। ये देखिए, तो ये रही ऐप रैम यूजेज, और इसके अंदर आपको दिख रहा है कि एक एक ऐप कितनी रैम इस समय खा रहा है, यानी कि कंज्यूम कर रहा है। अब अगर आपको कोई ऐप चाहिए तो आप उस ऐप को सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए जैसे कि मुझे iChangi डिलीट करना है या उसे अनइंस्टॉल करना है, ये रही iChangi, तो मैंने इस ऐप पर क्लिक कर दिया। मुझे इस ऐप की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रही है। ये देखिए आप नीचे जाकर सब कुछ देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस ऐप को बंद कर सकते हैं या फिर आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए ये रहा इसका साइज़, जो फ़िलहाल लगभग 65 MB की है। चलिए हम अनइंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देते हैं, और अब वो हमें प्रॉम्प्ट दे रहा है और बोल रहा है iChangi विल बी अनइंस्टॉल्ड, तो हम अनइंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए iChangi हमारे मोबाइल से अनइंस्टॉल हो गया। अब अगर वापस गए तो देखते हैं ये ऐप है या नहीं।
ये देखिए, ये ऐप यहाँ पर थी और अब ये ऐप हमारे मोबाइल से अनइंस्टॉल होकर गायब हो गई है। तीसरे मेथड में आप एक अनइंस्टॉलर ऐप को मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसकी मदद से कई ऐप्स को एक साथ बैच में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको दो ऐप्स के नाम बताने वाली हूँ और एक को इस्तेमाल करना सिखाऊंगी। ये देखिए, ये है इजी अनइंस्टॉलर और ये है अनइंस्टॉलर। ये दोनों की दोनों ऐप्स जो हैं आपको बैचेस में ऐप्स को अनइंस्टॉल करने देती हैं। आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये इजी अनइंस्टॉलर का इस्तेमाल सिखाने वाली हूँ। आप प्ले स्टोर पर जा कर के इसे आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल किया है इसलिए मैं अभी इसे खोल लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इधर क्लिक किया और ये ऐप खुल गई। ये देखिए, यहाँ पर मुझे वही सब ऐप्स दिख रही हैं जो कि मेरे एप्लीकेशन मैनेजर में थी, लेकिन यहाँ पर मैं एक से ज़्यादा ऐप्स एक साथ डिलीट कर सकती हूँ। जैसे कि चलिए, मैंने ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, नीचे गए, कोई और सिलेक्ट कर लेती हूँ ऐप, जैसे कि ये और ये, और अब मुझे इन सबको अनइंस्टॉल करना है। तो नीचे देखिए, अनइंस्टॉल का बटन आ रहा है और ब्रैकेट्स में लिखा है 4, यानी कि मैंने 4 ऐप्स यहाँ पर सिलेक्ट कर ली हैं। तो हम अनइंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, वो बोल रहा है Jiffy विल बी अनइंस्टॉल, तो हम अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं और अब ये पहली ऐप अनइंस्टॉल हो गई। अब ये दूसरी ऐप के बारे में बोल रहा है, हमने अनइंस्टॉल पर क्लिक किया, ये भी अनइंस्टॉल हो गई। तीसरी ऐप, ये भी अनइंस्टॉल हो गई और चौथी ऐप भी अनइंस्टॉल हो गई। तो हमने कई स्टेप्स यहाँ पर सेव कर लिए और हमने जल्दी जल्दी 4 ऐप्स अनइंस्टॉल कर दी। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि इन ऐप्स में एक प्रॉब्लम है। अब इन ऐप्स में ये प्रॉब्लम है कि जो पहले से इंस्टॉल हुई ऐप्स होती हैं उन्हें अनइंस्टॉल करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसलिए है चौथा तरीका। हमारे फोन्स में अक्सर ऐसी ऐप्स होती हैं जो पहले से ही इंस्टॉल्ड होती हैं और अनइंस्टॉल भी आसानी से नहीं करी जा सकती। इस चौथे तरीके में आपको इन्हीं प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स को अनइंस्टॉल करना सिखा रही हूँ। इसके लिए आपका फोन रूटेड होना चाहिए। अगर आपका फोन रूटेड नहीं है तो ये मेथड आपके लिए काम नहीं करेगा। पहले तो कैसे पता लगाएं कि हमारा फोन रूटेड है या नहीं? इसके लिए एक ऐप है जिसका नाम है रूट चेकर। आप इस ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और ये देखिए, मैंने ये वाली जो ऐप है पहले से अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके रखी हुई है, तो मैं आपको इसका इस्तेमाल सिखा देती हूँ। ये रहा रूट चेकर का आइकन, इस पर क्लिक करके इसे खोल लिया। ये देखिए, ये रूट चेकर बेसिक खुल गया। यहाँ सबसे ऊपर है वेरीफाई रूट स्टेटस, हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए, ये वाला जो मेरा फ़ोन है ये रूटेड नहीं है। अगर आपका फ़ोन रूटेड नहीं होगा तो आपको इस प्रकार से एक अलर्ट दिखेगा। रूट करने से देखिए कई फ़ायदे हैं। आपको अपने फ़ोन पर ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है, लेकिन नुकसान भी है। वो ये कि आपके फ़ोन की वारंटी जो है वो वॉइड हो जाती है और सिक्योरिटी भी कम हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मोबाइल को रूट करना सिखाऊं, तो कमेंट्स में मुझे बताइए और अगले कुछ ही दिनों में मैं आपको इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर सिखा दूंगी। लेकिन अगर आप टेक्निकल यूज़र हैं और आपने पहले से अपने फ़ोन को रूट किया हुआ है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दूसरे फोन पर प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स डिलीट करना सिखा देती हूँ। प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स को अनइंस्टॉल करने के लिए एक ऐप है जिसका नाम है टाइटेनियम बैकअप। आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ मैंने अपना पुराना सैमसंग S3 यूज किया है क्योंकि इसकी वारंटी खत्म हो चुकी है। अगर आप नया फोन रूट करते हैं तो ध्यान रखिए, आपकी वारंटी कैंसिल हो सकती है। चलिए टाइटेनियम बैकअप से प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हटाकर अनइंस्टॉल कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपको टाइटेनियम बैकअप की ऐप दिख रही है।
इस पर हम क्लिक कर देते हैं और ये देखिए ये एक नई स्क्रीन खुल गई। यहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दिखेंगी। आपको ऊपर जाना है जहाँ लिखा है बैकअप रिस्टोर, ये देखिए इधर क्लिक किया और आपको इधर सब आपकी एप्स दिख जाएंगी। जो तो आपको लाल में दिख रही हैं वो सब की सब प्री इंस्टॉल्ड चीज़ें हैं, वो आपके फ़ोन पर शुरू से ही इंस्टॉल्ड थी और अगर आप उन्हें हटाते हैं तो कल को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ डिलीट करने से पहले सोच लीजिए, क्योंकि अगर आपने उसे डिलीट करा तो बाद में हो सकता है कि आपका फ़ोन जो है वो अनस्टेबल हो जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो और ये भी हो सकता है कि आपको फ़ोन को दोबारा से सेटअप करना पड़े। इसलिए इन सब लाल वाली ऐप्स को डिलीट करने से पहले बहुत सोच लीजिए। लेकिन मैं कोई ऐसी ऐप डिलीट कर लेती हूँ जो कि मुझे पता है कि प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने वाली। चलिए देख लेते हैं ऐसी कोई ऐप है क्या। ये बिल्कुल नीचे गए तो देखिए यहाँ पर है याहू फाइनेंस और याहू न्यूज़। अब ये वाली जो दो चीज़ें हैं मैंने अपने मोबाइल पर इंस्टॉल नहीं करी थी और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे मोबाइल से हट जाएं, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेती हूँ। ये देखिए वो बोल रहा है आप चाहें तो आप इसे बैकअप कर सकते हैं, इसे फ्रीज कर सकते हैं या फिर इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। आप इसका डेटा भी पूरा का पूरा मिटा सकते हैं, यानी कि वाइप डेटा। लेकिन इसमें कोई डेटा है ही नहीं, मैंने इस ऐप को कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि ये ऐप मेरे फ़ोन में से अनइंस्टॉल हो जाए। चलिए ये अनइंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर दिया। ये देखिए अब परमिशन मिल गई है और हम इसे दोबारा क्लिक कर देते हैं। ये देखिए वो बोल रहा है यू हैव नो बैकअप ऑफ द करंट वर्जन ऑफ दिस ऐप। वो हमें वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है और फिर अंत में पूछ रहा है डू यू वॉन्ट टू अनइंस्टॉल इट। तो हम यस पर क्लिक कर देते हैं और अब वो बोल रहा है कि एक अनइंस्टॉल सिस्टम पैकेज हमारे मोबाइल पर रन किया जाएगा और अगर कोई गड़बड़ हुई तो हो सकता है कि आपको बाद में अपना रोम अनइंस्टॉल करना पड़े। क्या आप इस ऐप को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं? तो हम यस पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए याहू न्यूज़ हमारे फ़ोन में से अनइंस्टॉल हो गया। ये देखिए वापस गए, इधर आए, ये देखिए इसके नाम के आगे आपको एक स्ट्राइक दिख रही है, एक लाइन बीच में से दिख रही है, तो ये जो है अब हमारे सिस्टम में से हट गया। इसी प्रकार से आप चाहें तो आप कोई और ऐप भी अपने मोबाइल में से डिलीट करके मेमोरी को फ्री अप कर सकते हैं और अपनी स्पीड जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। बहुत ही आसान है। तो अब आपने चार तरीके देख लिए ऐप्स अनइंस्टॉल करने के, कुछ आसान और कुछ थोड़े टेक्निकल। आसान या मुश्किल में तो बस इतना ही फर्क है कि जब हमें कोई चीज़ नहीं आती तो वो चीज़ मुश्किल लगती है और एक बार हमें वो चीज़ आ जाए तो वो आसान लगने लगती है। ये हैं हमारे कुछ और पॉपुलर वीडियोस। स्क्रीन पर क्लिक करके आज कुछ नया सीख लीजिए। आपके कमेंट्स, सवाल और सुझाव मैं रोज़ पढ़ती हूँ, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने सीख लिया है कि अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर ऐप्स को कैसे अनइंस्टॉल किया जा सकता है। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।